किसान धाम श्री लाडवा गौशाला में आपका स्वागत है। किसान धाम गौशाला की स्थापना हरियाणा के हिसार जिले में लाडवा गांव में सन 1992 ईस्वी में हुई। यहां के संस्थापक श्री बलराज जी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। गौ भक्त होने के नाते उनकी सोच थी कि केवल गौशाला के निर्माण से गौ माता की रक्षा नहीं हो सकती। गौपैथी को माध्यम बना के ऐसी दवाइयों की खोज की गई जिससे कैंसर, एड्स और भयंकर बीमारियों का इलाज बिना किसी साइड इफेक्ट के होता है। कैंसर अनुमूलन केंद्र का शिलान्यास स्वर्गीय श्री दारा सिंह जी के कर कमलों द्वारा 14 जनवरी 2000 को किया गया। हमारी टीम ने यहाँ के प्रधान श्री आनंद राज जी से बात की, जो काफी लंबे समय से इस गौशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गौशाला के खाद के यूनिट में और बात कर रहे हैं यहाँ के एक्सपर्ट्स के साथ। सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद सर। आप हमें बताएं कि ये खाद जो नेचुरल तरीके से तैयार हो रही है और जो बहुत ही कारगर है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा सर, मेरा नाम है मोहन शर्मा, मैं गौशाला में जैविक खेती एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा हूँ और इस पत्ती पर हम 30 साल से काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने केंचुए की खाद बनाई है, बायोमेनोर खाद बनाई है, डी कम्पोस्ट बनाया है, नाइड्रप कंपोस्ट बनाया है, जीवामृत पानी, घन जीवामृत पानी, वर्मी वाश स्प्रे और दूसरे हर्बल स्प्रे जो कीट नियंत्रक है, यानी खेती का पूरा एक किस्म से प्रोटोकॉल हमने तैयार किया है जो विदाउट केमिकल का, जो कि बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो रहा है, जिसके रिजल्ट बहुत ही संतोषजनक और गुणकारी जो नतीजे आ रहे हैं, हमने इसका टोटल प्रैक्टिकल करके दिखाया है लोगों को और खेतों में जहाँ पर भी डलाया है, दोबारा बहुत ज़्यादा मांग हुई है और खेती के अंदर जो है जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको साइंटिफिक तरीके से बताना चाहूँगा इसके बारे में। आप देखिए यहाँ पे इसके अंदर, इस ड्राम के अंदर हमने डीकम्पोजर जो है घोला हुआ है, इसके अंदर डीकम्पोजर घोला हुआ है। हम क्या करते हैं, पहले गोबर को डीकम्पोस्ट करते हैं, पूरा अच्छे थे उसका खाद बना लेते हैं, डाइजेस्ट होया हुआ गोबर जिसके अंदर से मीथेन बिल्कुल निकल चुकी हो, बिल्कुल ठंडा गोबर। उसके बाद हम अनेकों चीज़ 16 के 16 पोषक तत्व खाद में कैसे उपलब्ध हों, वो भी प्रचुर मात्रा में, उस पर हमारा प्रयास है। इस प्रकार से हैं हमारे पास काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खाद के अंदर मिला देते हैं और उसके मिलाने से नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, मैग्नीज, आपके कैल्शियम, आपका दूसरे जो तत्व हैं ज़मीन के अंदर जो ज़रूरी चाहिए होते हैं ज़मीन को, वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। अभी हमने हमारे खाद की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट करवाई है, जो कि हमारी जो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है वो मेरिट में है और वो आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। लैब टेस्टिंग रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी किसान भाई उसको देख सकता है। विशेष करके बागान के, बाग बगीचों के लिए, सब्जियों के लिए और दूसरी जो भी फसल है उनके लिए हमारा ये खाद इतना गुणकारी सिद्ध हो रहा है, 1.5 गुना प्रोडक्शन बढ़ा देता है, फुटाव बहुत ज़्यादा करता है, फुटाव ज़्यादा होने से जो नहीं प्रोडक्शन बढ़ता है और ज़मीन में ताकत आती है। दूसरा मैं दिखाता हूँ, आप आइए मेरे साथ। ये आप देखोगे कि हमने यहाँ पे लस्सी इकट्ठी की हुई है, इसको भी हमने गोबर में मिलाना है, लस्सी को इकट्ठा करके
इसको गोबर में मिला देंगे तो लस्सी में आपको पता है नाइट्रोजन होती है बहुत ज़्यादा, तो हमारे जो खाद हैं उसके रिजल्ट इतने शानदार इसलिए आए हैं कि हम इनके अंदर, इस खाद के अंदर अन्य बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं। जीव अमृत पानी इसमें हम मिलाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह से देख सकते हो ये खाद है, इसमें कोई गर्मी नहीं है किसी भी प्रकार की और बहुत ही शानदार खाद है। ज़मीन में फोकवाड़ करता है, नरम बनाता ज़मीन को। इसके अंदर अदर अदर चीज़ें हम जो मिलाते हैं, जैसे नाइट्रोजन के विकल्प के रूप में हम गाय के गोबर की राख, जीवामृत पानी, लस्सी, गौमूत्र इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा फ्लाईएस हम इसमें मिलाते हैं। फ्लाईएस जो थर्मल प्लांट, बिजली प्लांट जहाँ लगे हुए हैं वहाँ से जो राख निकलती है वो मिलाते हैं, जो नाइट्रोजन का काम करती, कोई हैवी मेटल उसमें नहीं होता। इसके साथ साथ जैसे पोटास है या फास्फोरस है, पोटास के लिए हम तंबाकू मिलाते हैं, फिर उसके बाद मस्टर्ड की खड़ मिलाते हैं, सरसों उसके नीम की खड़ मिलाते हैं। ये चीज़ भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, हमारे सामने रखी हुई है, ये आप देखोगे इसके अंदर ये मस्टर्ड की खड़ है, हमने पीस रखी है, इसको भी हमने खाद में मिलाना है। इसी तरह से नीम की खड़ है, जिप्सम है, हम पूरा एक कॉम्बिनेशन बना करके किसान को देते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा हम प्योर गोबर गोबर ही देते हैं, बेस टोटल हमारा काउडंग है, हमारे पास टोटल देसी गोवंश है और उसका गोबर ही हम खाद के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलाकर हम खाद बनाते हैं और वो खाद ज़मीन के अंदर 16 के 16 पोषक तत्व प्रदान करवाता है। फिर किसान को कोई केमिकल छिड़कने की आवश्यकता नहीं, केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं। और जो दूसरे पेस्टिसाइड और केमिकल जो किसान खरीदता है उनसे कई गुना कारगर और सस्ता भी है। ये हमारा एक हर्बल स्प्रे है जो कि पूर्णतः विदाउट केमिकल है, इसे आप कीट नियंत्रक भी कह सकते हो। ये कीटों पर नियंत्रण करता है और पौधे को फुटाव देता है बाहर से, ऊपर से छिड़काव करने में। इस प्रकार आप देखेंगे हमने इस तरह के टैंक लगाए हुए हैं जिसके अंदर हम जीवामृत बनाते हैं। ये सब टैंक हैं, इनमें हमने गाय का गोबर, मूत्र, दूध, गुड़, बेसन, मिट्टी, पानी इत्यादि मिलाकर के जीवामृत पानी तैयार किया है और ये हम ड्राई गोबर में मिलाकर के एक विशेष अनुपात में मिलाकर के किसानों को देते हैं। उसके रिजल्ट बहुत ही सुंदर और कामयाब आते हैं, जिसकी बदौलत आप देख रहे होंगे। आपको मैं दिखाऊंगा, हमने एक मार्केट कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल दोनों के लिए हम 6 लाख रुपए की मशीन भी लेके आए। आप देखोगे ये मशीन है आपके सामने, ये जो मशीन है ये गोबर के अंदर से गर्मी को निकालती है, काट लगाने का काम करती है। हमने जो भी बैक्टीरिया डालना होता खाद में, या एक्टोबैक्टर है या राइजोबियम है या डीकम्पोजर है, गोबर में हम देते हैं पहले उसको डीकम्पोज करने के लिए। तो ये टैंक है, इसमें ऑटोमेटिक इस मशीन के द्वारा गोबर में मिला देते हैं और काट भी लग जाती है जिससे गोबर की गर्मी निकल जाती है और ये 1 महीने के अंदर खाद तैयार कर देती है ये मशीन। ये खाद तैयार होने के बाद हम अगले प्रोसीजर में लेके जाते हैं जिसके अंदर हम 16 के 16 पोषक तत्व मिलाने के लिए अदर अदर कंटेंट्स डालते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, नीम की खड़ है, मस्टर्ड की खड़ है, जिप्सम है, जीवामृत पानी है, इसके अलावा आपका डीकम्पोजर है, लस्सी है, मूत्र है, ये सारी चीज़ें हम मिला करके खाद बनाते हैं। इसके साथ साथ हमारे गौशाला में जितने भी वृक्षों के पत्ते हमें मिल जाते हैं सफाई करते समय, वो भी हम यहाँ डाल लेते हैं और इसके ऊपर गोबर डाल करके और इसको भी खाद में कन्वर्ट करते हैं। ये कहीं हम बाहर नहीं फेंकते, इससे ऐसा नहीं कि कहीं हम इसको गंदगी में फेंक देते हैं, नहीं। बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारा, 38 एकड़ में गौशाला है जिसमें बहुत पौधे लगे हुए हैं, सभी पौधों के नीचे का जो अवशेष है, घास फूस है, वो सब हम जो नहीं यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टि से और उसको खाद के रूप में बना करके किसानों को दे रहे हैं। हमारा खाद 600 रुपये क्विंटल है
गौशाला के अंदर से जो लेके जाता है यहाँ से हम 600 रुपये क्विंटल देते हैं, और एक एकड़ के अंदर फर्स्ट टाइम 10 क्विंटल खाद अगर कोई डाल देता है तो ज़मीन की उर्वरकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। धीरे धीरे इस प्रकार से आप कुल 2 साल में प्योर ऑर्गेनिक अपने खेत को कर सकते हो और प्रोडक्शन कम नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। प्रोडक्शन किसी भी सूरत में कम नहीं होगा, और आप हमारी जो खाद की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट पर जाकर के। ये किसी भी प्रकार का छड़ावा नहीं है, धोखा नहीं है, क्योंकि ये संस्था किसानों की है और किसानों ने ही चलाई हुई है। किसान जानता है कि ज़मीन को क्या चाहिए, किसान से बड़ा वैज्ञानिक ज़मीन के बारे में कोई नहीं हो सकता, खेती के बारे में कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए किसानों के साथ किसी भी सूरत में हम धोखा करना या किसी भी प्रकार का धोखा किसानों के साथ होता है तो हमें खुद ही स्वीकार नहीं होता। किसान भाइयों से निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस खाद का प्रयोग करें। हर महीने 26 से 28 3 दिन या ट्रेनिंग भी करवाते हैं, जिसमें 3100 रुपये हम जो है ना शुल्क लेते हैं, जिसके अंतर्गत खाना पीना रहना सहना सब यही होता है। 3100 रुपये में सिर्फ ये खाद हम बनानी सिखाते भी हैं, किसान भाई अपने घर पर जाकर बना करके अपने खेतों में डाल सकते हैं। जो बना नहीं सकते, जिन्होंने बाग लगाए हुए हैं बड़े बड़े, एक बार ज़रूर आजमाएं बागों में, क्योंकि बागों का तो जस्ट 2 गुना प्रोडक्शन ये कर देती है। ये रिजल्ट हमने देख लिया है इसका, तो आप देखोगे कि गौशाला के हर प्रांगण में गौ माता के गोबर और मूत्र से आपको अलग अलग जो है देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह के काम देखने को मिलेंगे। जैविक खेती एक अलग विषय है, हमारे दूसरे जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं हमारी उसका एक अलग विषय है, मेडिसिन का अलग विषय है, नेचुरोपैथी का अलग विषय है। वो अपने अपने एक्सपर्ट आपको इस बारे में जानकारी देंगे। तो खाद के बारे में मैं आपको अनुरोध करूंगा आपसे कि इस खाद को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और अपनी ज़मीन बचाएं। ज़मीन अगर बंजर हो गई तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, खेती चली जाएगी हमारे हाथ से। जो हम खा रहे हैं वो भी जहर खा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन में जहर डालेंगे तो खाने को जहर ही मिलेगा, और जहर की वजह से हमारा जो है स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। वो सारे पैसे कुछ तो हम जहर खरीदने में लगा देते हैं पैसे, फिर अपने आप को बचाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं वहाँ लगा देते हैं पैसे। तो ये किसी भी प्रकार भी अनुचित उचित नहीं है कि हम इस प्रकार से काम करें। तो किसान साथियों से अनुरोध है कि आगे इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। करने जा रहे हैं लांडवा गौशाला के प्रधान जी के साथ। प्रधान जी, ये बूटा जो बलराम जी ने लगाया था आज शानदार पेड़ का रूप धारण करके, जिस उद्देश्य से आप लोगों ने ये सेवाएं शुरू की थी आपके पिता ने कि हमने गऊ की रक्षा करनी है, हमने लोगों को एक नई जिंदगी देनी है, और उस जिंदगी को देने के लिए जैसे जैसे आपने अपनी जिंदगी में काम शुरू किए, खाद बनानी शुरू की, और वो खाद जो कि जहर नहीं है बल्कि एक बहुत ही कंस्टिट्यूट्स के साथ बनी हुई खाद है, उसके बाद जैसे आयुर्वेद के साथ आप लोग जुड़े, उसके बाद नेचुरोपैथी के साथ, आज हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो भी आता है, जो इस प्रांगण में चला आता है, तो उसको बीमारियों से रहित होकर और अपने आप को स्वस्थ करके जाता है। क्या कहना चाहेंगे? ये जी भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की हुई है अपनी लाडवा गौशाला की। ये जितने मेरे पिताजी थे और गाँव के जो भी समझदार लोग थे वो भारतीय किसान यूनियन के मेंबर थे, जितने भी थे भारतीय किसान यूनियन, उन्होंने स्थापना की थी। भारतीय किसान यूनियन का ये था, जैसे आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम भाव के लिए, तो भारतीय किसान यूनियन लोगों के ये चिंतनशील लोग थे कि गाय को भी बचाया जाए, किसान को भी बचाया जाए। तो हम ऐसी पैदा करें हम फसलें जो कि हमारी फसल का हमें बहुत अच्छा रेट मिले। तो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो ये जहर रहित होगी, तो इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बाहर भी हो सकता है। तो हम अगर वेजिटेबल पैदा करेंगे ऑर्गेनिक, तो उसका भी बहुत ज़्यादा भाव होता है। तो हम कुछ भी पैदा करें
तो लाडवा गौशाला का और जो भारतीय किसान यूनियन की स्थापना करने का यही मकसद था, भाई किसान भी बचे, गौ माता भी बचे। आज हमने धरती के बिल्कुल ख़त्म कर दी केमिकल डाल डाल के, तो उसका विकल्प लाडवा गौशाला ने टोया, गौ के गोबर से, मूत्र से भाई पेस्टिसाइड बनाया, खाद बनाया हर एक प्रकार का। अभी आपने देखा वो खाद बनाया है जिसके अंदर टोटल सारे तत्व हैं जो कि जो आप फर्टिलाइजर के अंदर हैं वो देसी के अंदर हैं सारे। आपने अभी दिखाएंगे, हम एक विजिट कराएंगे जो हम ऑर्गेनिक सब्जियाँ पैदा करते हैं। तो आज जितनी बीमारियाँ आ रही हैं वो सिर्फ केमिकल से आ रही है। अगर किसान में हमारे किसान साथी अगर गाय को बांध गए, अगर पंच गवे से खाद वगैरह तैयार करके खेती करते हैं तो 100% इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है, 6-7 हज़ार रुपये कुंटल कणक मिलती है। जैसे सरसों ऑर्गेनिक आप लोगे तो सरसों ऑर्गेनिक अब 6-6 हज़ार रुपये, तो 6-7 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये कुंटल बिकेगी। तो ऑर्गेनिक का तो अपन को पता है बाहर भी बहुत डिमांड, विदेशों में भी। अब हमारी चीज़ तो है देश में खाने के लायक नहीं, विदेश वाले कहाँ लेके जाएंगे। तो हम क्वालिटी पर काम करना चाह रहे हैं, हम किसान साथियों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस काम को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, हमारे से सीखिए, या फिर कुछ किसानों को मालूम भी इस काम को आगे बढ़ाइए। और लाडवा गौशाला आपके साथ है, और लाडवा गौशाला 27 वर्षों से काम करी, आपको पता है कितना भी भयंकर से भयंकर कैंसर के मरीज तीसरी चौथी स्टेज के, वो लाडवा गौशाला ने पेशेंट ठीक किए हैं, HIV के ठीक किए हैं। और आज लाडवा गौशाला बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर भी आई हुई है, हम जैसे हल्दी नूनी में सारी चीज़ बनाते, तेल नारियल तेल सरसों तेल सब कुछ बनाते हैं। और हमने 900 एकड़ के अंदर फार्मिंग की है वनस्थल विद्यापीठ राजस्थान में, जो कि 900 एकड़ हमारे को एग्रीमेंट के 20 साल के लिए गौशाला को मिली है। तो उसके अंदर हम शहद भी वहीं पैदा करते हैं, हम बाजरा तेल सरसों सब कुछ वहीं हम पैदा करे हैं। तो बड़ा अच्छा लार्ज स्केल पर इस काम को लाडवा गौशाला बढ़ा रही है। और मैं तो यही कहूँगा किसान साथियों से या बेरोजगार दोस्तों से कि आप लाडवा गौशाला से ट्रेनिंग ले, इसे प्रेरणा ले और इस काम को आगे बढ़ाए। ये भविष्य में बहुत ही बड़ा बिजनेस है, ये कोई गौ माता को छोटी चीज़ नहीं है, एक चलता फिरता कारखाना है। तो जो आपके जो सपने हैं भाई करोड़पति होने के, बिजनेसमैन होने के, तो गौ से इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। प्रधान जी, जैसे जैसे आपने बात की कि आपके साथ जुड़ने की, जो जो लोग आपसे जुड़े आज हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली है, क्या कहना चाहेंगे? कोई भी डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो वो आपसे जुड़ना चाहें, कोई भी किसान आपसे जुड़ना चाहे, कोई भी फर्टिलाइज़र वाला आपसे जुड़ना चाहे, फैक्ट्रीज वाले जुड़ने चाहें जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कोई भी वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, बहुत ही भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो यहाँ आकर रहने चाहें, यहाँ मिट्टी के साथ, यहाँ पंचकर्मा के साथ और जो जो पद्धतियाँ आपके पास हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें खाकर और यहाँ इतने हरे भरे एटमॉस्फेयर में रहना चाहें, तो क्या आप वहाँ उनकी भी हेल्प करें? ऐसा जी, हम कोई भी किसी प्रकार का कितना खतरनाक पेशेंट हो, हम उसको 15 दिन में रिजल्ट देंगे। अगर कोई आइए रह के अगर इलाज करवाना चाहता है तो वो भी व्यवस्था अपने पास बहुत अच्छी आपने देखी है। और अपना घर पर दवाई लेकर जाना चाहता है घर पर ही दवाई ले सकता है, उसका भी अपने पास हर एक बीमारी का 99% 100% अपने पास इलाज है। कैंसर का होया, TV का होया, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए, तो मैं तो यही आग्रह करूँगा आप आइए। और किसानों से भी करूँगा आप इसका विजिट करिए, ट्रेनिंग लिए, इस काम को आगे बढ़ाइए। और जो जो किसान जो खाद नहीं बढ़ाते, आप DAP यूरिया इतना महंगा महंगा ले रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट इतना धरती के ऊपर। हमारा आपको आपको रिपोर्ट भी देंगे हम, आप रिपोर्ट भी इसके अंदर दिखा सकते हो, हमारा जो हमने खाद बनाया है उसके अंदर कितने तत्वों में जो भी ज़मीन को चाहिए पूरे के पूरे पोषक तत्व अपने खाद के अंदर है, जो कि हमारी लैब रिपोर्ट है। थैंक यू सर, धन्यवाद।